आपने? शगुफ्ता मैंने कल तुम्हें क्या कहा था? कल रात तो आप बोलते ही जा रहे थे, पता नहीं क्यों। क्या कहा था आपने? कमीज सफेद कहा था इस्त्री करने को, नीली कर दिए, वो पहन जाइए। सफेद कलर लकी कलर है। आपकी भी समझ नहीं आती हमें, कभी सफेद रंग आपका लकी होता है, कभी पीला होता है। सुबह सुबह तीसरी जंगे अजीम मत छेड़ो। ये बताओ कि सफेद कमीज इस्त्री क्यों नहीं की? हमारी मर्जी। फौरन सफेद शर्ट इस्त्री करो। जो हमने कर दी है ना इस्त्री, वही पहनिए और ऑफिस जाइए। मैं ये शर्ट नहीं पहनूंगा। तो ठीक है, बगैर शर्ट पहने सलमान खान की तरह चले जाइए दफ्तर। अशरफ भट्ट से बदतमीजियाँ। जी बदतमीजियाँ। शगुफ्ता बेगम, मैं तो ऑफिस जाता हूँ, वहाँ से नोट कमा के लाता हूँ, तुम सारा दिन यहाँ क्या करती हो? जवाब दो। आप शौक से नहीं जाते हैं ऑफिस, आपको मजबूरी ले जाती है अशरफ। मजबूरी? कैसी मजबूरी? वट्टे सट्टे की मजबूरी। जाहिर है आगा जो जाता है ऑफिस। यू शट अप, यू शट अप। बदतमीज बदतमाग औरत, तुमने मुझे शट अप ही कह दिया। अहमक बेवकूफ मर्द, जाहिल औरत, दकियानूस मर्द, हम करने वाली बम बम। आपने हमें बम कहा? हाँ कहा। इससे पहले कि हमारा जलाल जाग जाए अशरफ, आप यहाँ से चले जाइए। तुमने अशरफ भट्ट की बिस्ती कर दी। निकलिए, दूर हो जाइए हमारी नजरों के सामने से। जब तक मेरी ये चिट्टी कमीज सफेद कमीज इस्त्री नहीं होती, मैं दफ्तर भी नहीं जाऊंगा। अच्छा, मत जाइए दफ्तर। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आगा आगा मशीन है। हाँ? ये मिस्टर फ्राडिया किधर है? कौन मिस्टर फ्राडिया? तुम्हारा निकम्मा शौहर आगा शिराज उर्फ मिस्टर फ्राडिया। भाईजान, मैंने आपको कितनी दफा कहा है मेरे शौहर को मेरे सामने मिस्टर फ्राडिया मत बोला करें आप। बेबी है ना, मजाक है ना। बहुत ही कोई घटिया सेंसलेस किस्म के मजाक होते हैं आपके। बेबी, तू अंग्रेजी में अपने भाई को गालियाँ दे रही है। हाँ ठीक है, तो आप ही तो हरकतें गालियाँ खाने वाली करते हैं कि नहीं? अच्छा ये बता, आगा आज ऑफिस जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। आपको शर्म नहीं आती है भाईजान? कब तक मेरे शौहर की उंगली पकड़ के चलते रहेंगे आप? कभी ना कभी तो आपको खड़े होना है ना अपने पैरों पर। हर वक्त उसका दुमछल्ला बने रहते हैं। तुमने मुझे अपने शौहर का दुमछल्ला कहा? हाँ कहा। तो फिर ठीक ही कहा होगा कि फिर चले निकले यहाँ से। अरे चाय गिर जानी थी अगर मैं ज्यादा ऐ कर लेता तो। और तू दफ्तर नहीं गया? नहीं। क्यों? मेरी मर्जी। ऐसे मजाक कर रहा हूँ माजी। माजी, मैंने सोचा कि दफ्तर जाने से पहले ना मैं आपके साथ एक कप चाय पी लूँ। क्यों, तुझे ऑफिस में चाय नहीं मिलती? माजी, आप तो सुबह सुबह झुकते मारने लगी। फिरे मुँह तेरा। माजी, आपके मुँह से फिटे मुँह सुन के ना तबीयत बाग बाग हो जाती है मेरी। फिर फिटे मुँह तेरा। तुझे पता है कि एक चाय के कप में ना 2 रुपए का दूध, 2 रुपए की शुगर और 1 रुपए की पत्ती पड़ती है। माजी, कहने का तो आप कहती है मैं दुर्दाना बट हूँ और हिसाब किताब आपने डार वाला शुरू कर दिया। अगर तू घर में चाय नहीं पिएगा ना तो पूरे साल में 1500 रुपए की बचत होगी। और आज बचत करेगा ना तो कल तेरे ही काम आएगी। नहीं माजी, जो बचत आप करेंगी ना वो भी मेरे ही काम आएगी। चल अब शक्ल गुम कर। वाह भाई वाह, सवेरे सवेरे शगुफ्ता ने जलील किया, फिर उसने दरवाजा मुंह पे मार दिया। बेबी ने सफेद कमीज पहन लेता तो ये मसले ना होते। ये बड़बड़ क्या कर रहा है तू? माँ जी, बड़बड़ भी कह रही है और पूछ रही है क्या कर रहा हूँ। माजी, मेरी किस्मत में ना जिल्लत ही लिखी गई है बस। अच्छा अच्छा, चल निकल यहाँ से। अच्छा माजी, एक मिनट माजी, कुर्सी मैं हुणे गया और किसी नवी जगह से जलील होके वापस आया। आज तुमने मुझे डरा दिया। डराने को मैं ही तुम्हें मिला था। भाई, आप यहाँ पे सिर्फ अकेले घूम रहे फिर रहे हैं, वो भी सोचो में गुम। और मैं पहले डरा हुआ हूँ, तो ऊपर से मुझे ऑर्डर आ रहा है। अच्छा, आज आपका डिप्रेस चल रहे हैं? हाँ आगा, पहले ना शगुफ्ता ने जलील करके कमरे से निकाल दिया, फिर बीबी डार्लिंग ने दरवाजा मुंह पे मारा। अभी अभी माही ने जलील करके निकाला है मुझे। ओहो, चले फिर एक काम करते हैं, ऑफिस चले, मैं फिर आपको बॉस से जलील करवाता हूँ। बस आगा, मैं ना यही सोच सोच के ना डिप्रेस हो रहा हूँ। वैसे भाईजान, आपको पता है जब से मेरी शादी हुई है, आई मीन मेरी नौकरी हुई है ना, बेबी डार्लिंग 200 नीचे मुझसे बात करती है। आगा, देखा देखा भाई, कितनी हल्की आवाज में आवाज दी उसने मुझे। वो कमरे से बोल रही है इसलिए आवाज हल्की लग रही है। आगा, तुम आज ऑफिस क्यों नहीं गए? नहीं बेबी डार्लिंग। क्यों नहीं गए आगा? नहीं बेबी डार्लिंग, तुमने तो कहा था कि ऑफिस जाने से पहले तुमसे मिलके जाना। तुम्हें मिले बगैर मैं जा सकता हूँ ऑफिस। सो नाइस ऑफ यू आगा, आई लव यू। देखा देखा, सुना आपने? आगा, मुझे लगता है मुझ पे ना किसी मनहूस चुड़ैल का साया है। लगता नहीं भाई, लगता नहीं है। तुझे भी ऐसा लगता है? हाँ ना, जिस तरह बगैर किसी वजह से ना बॉस आपको जलील करता है। आगा, आज बगैर वजह के ना बेबी, शगुफ्ता और माँ जी ने मुझे जलील किया है सुबह सुबह। भाईजान, फिर तो कंफर्म है कंफर्म है कि आप पर साया है। आपको पता है मुझ पर भी था। फिर तुमने क्या किया आगा? मुसलसल 3 दिन समंदर में नहाने के बाद मेरा साया गया। वैसे भाईजान मैं एक बाबा जी को जानता हूँ, बहुत पहुँचे हुए हैं। पहुँचे हुए? वो हर मसले की ना तय तक पहुँच जाते हैं। आगा मुझे ले चल रहे। कहा? बाबा जी के ठिकाने पे। बाबा जी के तो ठिकाना ही नहीं है कोई। कोई आस्ताना तो आगा? हाँ है ना, मोबाइल आस्ताना, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। ये बाबा जी एक जगह टिकते नहीं, उनको कोई बीमारी है? अरे बड़े पहुँचे हुए हैं। वो ये कहते हैं कि सारी दुनिया मुझसे फैजियाब हो जाए। मुझे फैज कैसे पहुँचेगा आगा? अरे भाईजन मैं हूँ ना, मेरे पास नंबर है ना बाबा जी का। जल्दी बुला, जल्दी बुला। बाबा जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, आपने मुझे पहचाना? जी जी हजरत, आपने बिल्कुल सही पहचाना। अब हजरत मैं अशरफ साहब की आपसे मुलाकात करवाना चाहता हूँ। क्या? ओके, नहीं हो सकती? अरे नहीं नहीं, बाबा जी तो खुद गली में है। मैंने कहा था ना वो मसलों तक खुद पहुंच जाते हैं। आगा उनको हमारा एड्रेस पता है। भाईजान मैंने कहा था ना वो बहुत पहुंचे हुए, उनको कोई भी याद करते हैं ना वो वहां तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, ओहो देखा पहुंच भी गए हजरत हमारे इतनी जल्दी। अरे भाईजान उनके कब्जे में ना लाखों जिन्नात हैं जो मुखबरी करते हैं। मुखबरी? एक काम करें आप जाके दरवाजा खोलें, मैं ऑफिस की तैयारी करता हूँ। आगा तुम मेरे साथ नहीं जाएगा? अरे भाईजान ये कब इधर दे, नहीं क्योंकि बाबा जी को ना भीड़ पसंद नहीं है। आप जाए चली जाए। अच्छा, मैं होड़ेंगे मैं दरवाजा खोल के आया। अल्लाह 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 अल्लाह। तू अशरफ खान है ना? नहीं नहीं मैं अशरफ बाटू बाबा जी। पहले तो तू खान था, बाद में बट हुआ ना? हाँ जी, मैंने फिर ऑपरेशन करा लिया, फिर मैं बट बन गया। मुझे सब पता है। सब? हाँ सब पता है। सुबह सुबह तेरी बीवी ने तुझे कमरे से निकाला जलील करके, है ना? जी बाबा जी। तेरी छोटी बहन जिसको तूने गोदों में खिलाया उसने तुझसे बदतमीजी की। जी बाबा जी। और फिर तेरी माँ जी ने। बिल्कुल ठीक बाबा जी, बिल्कुल ठीक। ऑफिस में रोजाना तेरा बॉस जलील करता है बिला वजह के। जी बाबा जी ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता रहेगा। ओ क्यों बाबा जी? तुझ पर काली माता का सफेद साया है। नहीं। हाँ बच्चा। बाबा जी सब ठीक हो जाएगा ना? इसका इलाज होगा। बाबा जी मेरा इलाज कौन करेगा? पागलों के डॉक्टर। क्या मतलब? अबे खोते, मैं करूँगा तेरा इलाज। मगर बाबा जी मैं सच में पागल नहीं हूँ। देख अशरफ, जिन लोगों पर बदरुओं का साया हो डॉक्टर उसे क्या कहते हैं? पागल। पागल हमारी जबान में साया और उनकी जबान में पागल। बाबा जी ये तो पहले ही कंफर्म था कि मुझ पे साया है। बाबा जी इसका कोई तोड़ है? तोड़ भी है और जोड़ भी। तोड़ भी और जोड़ भी? बाबा जी क्या मतलब? एक इलाज ये है कि तेरे सर पे जूतियां मारकर वो साया भगा दूं, ये है तोड़। और जोड़? मैं तेरे सर से साया उतार कर किसी और के सर पे डाल दूं, ये है जोड़। फिर वो जलील होगा? हाँ वो जलील होगा। अब बता कौन सा इलाज शुरू करूँ? वैसे बेबी डार्लिंग एक बात तो बताओ। अबे कहाँ गया ये रहा। ये तुम कोट पहनाने के लिए मुझे छत पर क्यों लेकर आई? मेरी मर्जी आगा। अच्छा सुनो, आज से तुम ना ऑफिस अलग जाओगे और वो जो अशरफ भट्ट है ना वो अलग जाएगा। ठीक है बेबी डार्लिंग, जैसा तुम कहोगी मैं वैसे ही करूंगा। और हाँ वापसी पे ना मेरे लिए पिज्जा जरूर लेके आना। बस पिज्जा? तुम्हें पता है ना आगा पिज्जा से पहले मैं सैलेड खाती हूँ और पिज्जा के बाद आइसक्रीम। जब तुम्हें पता ही है तो फिर पूछ क्यों रहे हो? दिल पिशोरी के लिए। अच्छा सुनो, आइसक्रीम जो है ना वो पेशावरी स्पेशल वाली लाना। जी बेबी डार्लिंग। और हाँ बात सुनो, जलगोजे ना कोट की अंदर वाली जेब में रख के लाना ताकि बाजी ना देख सके। हाँ यार वो सुबह सुबह उठ के डस्टबिन में ना चिलगोजे के छिलके गिनती है। और तुमने चिलगोजे के छिलके ना मेरी इस जेब में डाल देने हैं, ठीक है? क्यों? मैं ना ऑफिस के डस्टबिन में फेंक दूंगा, किसी को भी नहीं पता चलेगा कि हम दोनों ना सर्दी में रजाई में छुप के ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। हाय मेरा शौहर कितना ज़हीन है ना। अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा बादाम अखरोट खाया कर, सोचने में इतना टाइम लगाता है? सोच लिया बाबा जी, सोच लिया। क्या? नहीं बाबा जी जोड़ और तोड़। तोड़ फिर जोड़। बस बाबा जी आप यही करें तोड़ जोड़ वाला फार्मूला। महंगा है बाबा जी। ये महंगा है तो फिर सस्ता क्या है? साया भगाने का 10,000 और साया किसी के सर पे डालने का 20,000, कुल 30,000। 30,000 बाबा जी थोड़ी रियायत करें बाबा जी, 25,000 छोड़ दें। अब चले ऐसा करें बाबा जी आप 20,000 कर दें दोनों कामों का। ठीक है ये बता साया किधर ट्रांसफर करूं? आगा शिराज पर। वैसे महबूब आपके कदमों वाला तावीज भी है मेरे पास। बाबा जी महबूब तो पहले मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, आप ना महबूबा को मेरे कदमों में डालें। नाम बता महबूबा का। शगुफ्ता बेगम बाबा जी। अबे गधे मुझे कहा बाबा जी? अबे तुझे बोल रहा हूँ, बीवी को कदमों में लाने वाला तावीज अभी तक नहीं बना। दवाई छोड़े दवा कराएं फिर क्या फायदा। मेरे पास ऐसा तावीज है कि तेरी बीवी तेरे कदमों में लेट जाएगी। बस बाबा जी ये वाला तावीज दे मुझे। महंगा है। कितना महंगा होगा बाबा जी, ऐसी क्या बात है। 40,000 सिक्का राजुल वक्त दिया है। 40,000 बाबा जी तो बहुत ज्यादा है। मेरा बच्चा तू पैकेज ले ले। मतलब बाबा जी बीवी कदमों में, बदतमीज बहन गुंगी, माँ जी राम, बॉस का काम तमाम और आगा शिराज बदनाम। बस बाबा जी यही पैकेज चाहिए, यही। महंगा है, पूरे 50,000 का है। बाबा जी ठीक है, मैं रोज रोज की जिल्लत से तंग आ गया, मेरी जान छुड़वाएं बाबा जी। मैं किसी से ना 50,000 रुपए मांगता। तावीज लिखने के लिए मुझे खुला आसमान चाहिए। आप आसमान पर तावीज लिखेंगे बाबा। मैंने हंसाने की कोशिश की बाबा जी आपको। नहीं, छत पर। छत पर चले फिर बाबा जी। नहीं, पहले 50,000 दे। बाबा जी आप छत पे चले, मैं रकम लेके आता हूँ। छत का रास्ता तेरा बाप बताएगा। बाबा जी मैं बताता हूँ आपको, अब आए मेरे साथ। 1 मिनट। अल्लो 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 चलो। मैंने आपको ये बदशगुनी होती है, जब भी मैं बाहर जा रहा होता हूँ मुझे आवाज मत दिया करें आप। अच्छा मैं तुम्हें आइंदा आवाज नहीं दूंगा। तुम ना जरा खब्बे हाथ से ना टूटे हुए 5,000 रुपए कटो। फिर बदशगुनी, पैसे मांग रहे हैं, ये सबसे बड़ी बदशगुनी होती है। अगर मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। बदशगुनी एक और झूठ। आज तक आपने कोई पैसे दिए मुझको जो ये देंगे? प्लीज आगा, प्लीज आगा, प्लीज। कब तक पालू मैं आप लोगों को, कब तक पालू? आगा 1 मिनट ठहर जाएगा, तुम्हें कसम है वही खड़े रहना, इधर ना ही आगा, इधर ना ही। ये क्या सारे रख लिए? बेबी डार्लिंग के लिए मूंगफली, चिलगोजे और पिज्जा कौन लाएगा? तुम ना बॉस से सैलरी एडवांस ले लेना। एक बात तो बताइए, आज आप ऑफिस नहीं जा रहे? मैं ऑफिस जाऊं या ना जाऊं, तुम जाओ ऑफिस। बदतमीज कहीं का, जाहिल आदमी बदतमीजी करता मेरे साथ। चलो दौड़ जाओ यहाँ से। अबे 5,000 भी ले लिए और ऑफिस भी नहीं जा रहे। ऑफिस जाता है, आना भी नहीं। ये ऐसे डॉगी खाते हैं। क्या खा रहे हैं आप? बदतमीजी बाबा जी से। पैसे लाया तू? जी बाबा जी ये लाया हूँ। मैं खुद रख लेता हूँ। बाबा जी पैसे गिनते ले। ओ पता है 2,000 कम है। जी को सब पता है, बाबा जी खाने के बाद स्वीट डिश खाते हैं। बाबा जी हमारे घर में ना स्वीट डिश हराम है, क्योंकि माँ जी को ना शुगर है, अल्लाह की लख लख शुगर है। फ्रूट लेकर आओ बाबा जी के लिए, बाबा मीठा खा के तावीज लिखेंगे, उसका असर बढ़ेगा। बाबा जी आप ऐसा करें, आप ना ये टॉफी खा लें, इससे आप अपना मुंह मीठा करें बाबा जी। हाँ ठीक है। अब ऐसा कर, उस तरफ मुंह करके खड़ा हो जा। क्यों बाबा जी? मैं तावीज लिखने लगा हूँ। बाबा जी आप तावीज मेरे सामने नहीं लिख सकते। नहीं। क्यों बाबा जी? बिजनेस सीक्रेट। बिजनेस सीक्रेट? अबे खोते तेरे सामने तावीज लिखूंगा, 50% तावीज का असर खत्म हो जाएगा। ठीक है बाबा जी समझ गया। उधर मुँह कर। अच्छा बाबा जी। और जब तक मैं ना बोलूँ उधर नहीं देखना। ठीक है बाबा जी। शाबाश। बाबा जी हाँ क्या कर रहे हैं आप बाबा जी? अरे ताबीज लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा बाबा जी। इधर मुंह कर। जी बाबा जी। ये ले, अपने गले में पहन ले। बाबा जी ये तो कोई लेडीज हार लग रहा है। बाबा से कॉमेडी। ठीक है बाबा जी। तो गले में पहन ले। 1 मिनट बाबा जी। बस एक बात का ख्याल रखना, तावीज नजरों में रहे। बाबा जी किसकी नजरों के सामने? सामने वाले के सामने। बाबा जी इस तावीज से मेरी खोई हुई इज्जत बहाल हो जाएगी। बिल्कुल बहाल हो जाएगी। जब तक तावीज तेरे गले में है, छोटे बड़े का गोश्त नहीं खाना, हाथ नहीं लगाना। ठीक है बाबा जी। मुर्गी देखनी नहीं। ठीक है बाबा जी। मछली के पास से भी नहीं गुजरना। बाबा जी अंडे तो खा सकता हूँ ना? बिल्कुल नहीं। फिर मैं क्या खाऊंगा बाबा जी? सिर्फ दाल। बाबा जी गोश्त खाने की वजह से कसाईयों में जो हमारी इज्जत थी ना, वो भी जाती रहेगी। हर हफ्ते हम 1 पाव गोश्त ले आते थे। बाबा की बात पे सख्ती से अमल करेगा तो फायदा होगा। बाबा जी का जाने का टाइम हो गया, हमें इजाजत दीजिए। बाबा जी इसी उम्र में जा रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह 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 अल्लाह। बाबा जी इतनी अल्लाह अल्लाह करते हैं, हराम है जो शक्ल पे जरा सी भी रौनक आई हो। आज कौन सा दिन है पुत्र? मंगल माँ जी। तो आज कोई सरकारी छुट्टी है? नहीं ना। तो टाइम क्या हुआ है? 12 बज रहे माँ जी। 12 बज रहे और तू अभी तक ऑफिस नहीं गया? नहीं माँ जी। क्यों नहीं गया? वट्टा सट्टा माँ जी। ना ऑफिस जाने से वट्टा सट्टा का क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है माँ जी। मतलब? सिंपल माँ जी, भाईजान ऑफिस नहीं गए तो मैं भी नहीं गया ना। अशरफ जहन्नम में जाएगा तो तू भी जहन्नम में जाएगा। इतना पागल नहीं हूँ मैं। और वैसे भी मरने के बाद ना सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, सबको अपनी अपनी पड़ी रहेगी उस दिन। काम चोर निकम्मे घटिया इंसान, तुझे ऑफिस ना जाने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। तावीज ने काम दिखाना शुरू कर दिया। बाबा जी ने सच कहा था, शगुफ्ता मेरे कदमों में लेट जाए। तो मेरे कदम तो जमीन पे पड़े। अच्छा एक मिनट शगुफ्ता, सोई रहो मेरे कदमों में सोई रहो, कोई बात नहीं। ये आपके गले में क्या है अशरफ? ये तावीज है। तावीज किस चीज का मगर? शगुफ्ता दरअसल मेरा ना खून बड़ा हल्का है, मुझे कोई खूबसूरत और जवान लड़की देख लेना ऐसे आंख भर के तो मुझे नजर लग जाती है, इसीलिए तवीज पहन लिया मैं। आपका खून हल्का नहीं है अशरफ, आप खुद हल्के हैं। मैं पूरे 75 kg का हूँ। अरे हम शख्सियत की बात कर रहे हैं। हाँ गुड जोक। गुड बेगैरत घटिया इंसान, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? दिमाग को चढ़ गया तवीज इनके। मैंने तुमसे पिज्जा की फरमाइश क्या कर दी, तुम दफ्तर ही नहीं गए? बेबी डार्लिंग, मैं वट्टा सट्टा की वजह से नहीं गया था। जस्ट शट अप। जब भी मैं तुमसे किसी चीज के बारे में कुछ कहती हूँ ना, तुम छुट्टी मार लेते हो। अरे यार चलगोजे पिज्जे जितनी भी चीजें ज़े पे खत्म होती है ना, मैं तुम्हारे मुँह नहीं, मेरा मतलब है मैं आपके ला के हाथों में रखूंगा खुद। जस्ट गेट लॉस्ट। मेरा ठीक है बेटा, कमीशन दिए बगैर तू भाग गया ना, मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। जी आया, सदके जाओ इज्जत माफ अशरफ भटवाल जावेद भट्ट तशरीफ ले आए हैं। बस महाजी ये ना सारा इस तवीज का मौजूदा है। आज आप ऑफिस क्यों नहीं गए अभी तक? नहीं महाजी, आज ना मुझे अपनी ना इज्जत बहाल करनी थी। आपके गले में क्या है? करामाती तावीज महाजी, करामाती तावीज। माजी ना माजी, ये नहीं खोलना, ये नहीं खोलना, वरना इसकी ना तासीर खत्म हो जाएगी माजी। माजी ये क्या किया? शाहिद कबीर खान, सुनिए इसमें क्या लिखा है। 2 पत्तर अनारा दे, यानी 2 पत्ते अनारों के। ते साढ़े दुख सुन सुन के, यानी हमारे दुख सुन सुन के। रोते पत्थर पहाड़ों के, खोते रोन कुम्हारा दे। यानी जो गधे हैं ना कुम्हारों के, वो रोन रोते रहे। ये लिखा है तावीज में। माजी क्या अजीम शायर है ये। तावीज में ये लिखा है। 50,000 रुपए मैंने तो इधर उधर से मांगे थे माँ जी। हाँ जी। इस बच्चे का हम क्या करेंगे? क्या मतलब क्या करेंगे? पालेंगे। हम रात को ना ईदी के झूले पे छोड़ाएंगे इसको। यार रावत तुम बहुत ही स्टूपिड हो, तुम बोलते हो रोना शुरू हो जाता फिर रुला दिया ना। अगर माँ जी ने जज्बात में आके अपनी सारी जायदाद इस बच्चे के नाम लिख दी तो? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। 50 रुपए मैंने बददुआ देती हूँ। हाँ बददुआ, अल्लाह करे बड़ा हो कि बच्चा हमारी बरादरी का निकले। बददुआ ना देना। अच्छा पुत्र मैं सोच रही हूँ कि इसका नाम ना इमरान खान रख देते। वो सुबह कुछ कहेगा, दोपहर को कुछ कहेगा, शाम को कुछ कहेगा। हाँ यार पिछले 2 घंटे से वो मुसलसल रोए जा रहा है, साथ में मेरा दिमाग भी खा गया है। मुसलसल 2 घंटे से यानी नॉन स्टॉप। थोड़ी देर के लिए मुंह लाल करता है, ताजा दम होता है और फिर जोर जोर से